हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में, जैसा कि इसका टाइटल है, हम इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं, व्हाई वी नीड टू स्टडी इंग्लिश और व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स को इसको सीखने में दिक्कतें आती है, तो उनके सॉल्यूशंस क्या है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो आपको कई सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना पड़ते हैं और उनको एग्जाम में लिखना पड़ते हैं। तो किस तरह से हम उन अनसीन टॉपिक्स पर या एब्रप्टली या अचानक से आपके एग्जाम में कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में ना कभी आपने सुना है ना कभी पढ़ा है, तो उस टॉपिक को किस तरह से आप लिख सकते हैं और उसके फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट लेट वी नो व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों सीखना है। सबसे पहले इस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। एज यू नो दैट कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंग्लिश को इंडिया में लेकर आए, एंड इन टुडेज इंडिया, आज के भारत में लॉट्स ऑफ पीपल आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो, हम भी जो है वो कुछ हद तक इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बट very few students are able to speak fluently in English and some are still hesitated. कुछ student आज भी hesitate होते हैं। It's very simple. हम English को पढ़ना क्यों है? तो this is the age of science and technology and every book which teaches us about the software, computer technology is written in English. Every engineering book, medical और बुक ऑन मेडिकल साइंस पर जो भी बुक है, दे आर रिटन इन इंग्लिश। एंड इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद द वर्ल्ड वी मस्ट नो इंग्लिश, हमें दुनिया के साथ अगर कॉम्पिटिशन करना है तो हमें इंग्लिश आना चाहिए, हमें इंग्लिश आना ही चाहिए। एक्चुअली हमारी लैंग्वेज मदर टंग हिंदी है, ठीक है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी, कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई ओडिया, कुछ भी बोलते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इंग्लिश को काम वाली बाई समझता हूँ। कहने का मतलब है कि ये आपको काम दिला सकती है, आपको वर्ल्ड के साथ या अदर लोगों से कंपटीशन करने के लायक बना सकती है। तो हमें इंग्लिश सिर्फ इसलिए सीखना है ताकि हम अपने बिजनेस अफेयर्स को डील कर सके, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस ना हो जाए, देयरफॉर वी शुड लर्न इंग्लिश। अब इसमें सबसे पहली बाधा कहाँ आती है? पहली प्रॉब्लम जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को फ्लुएंसी रीड करना नहीं आता है। एक्चुअली यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ट्राई करते हैं कि हम भी इंग्लिश में बात करेंगे, हम भी स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, बट दे आर अज्यूमिंग कि हम किसी इंस्टीट्यूट को कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं और विद इन 90 डेज और 90 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, इस टाइम में हम इंग्लिश सीख जाएंगे। और कई सारे इंस्टीट्यूट्स ये कमिट भी करते हैं और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि लर्न फ्लुएंट इंग्लिश without making lots of efforts in 90 hours or 90 days. Students, 90 hours यानी कि एक घंटा डेली इंग्लिश को बोलने से या सीखने से आप लर्न नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली लैंग्वेजेस जो होती है वो लैंग्वेजेस आपको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगी, यानी कि हमारी बोलचाल में लाना पड़ेगी। एक सिंपल सी बात है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू राइट, यदि आप सीखना चाहते हैं कि लिखे कैसे, तो आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि बोले कैसे, तो आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इफ यू रियली वॉन्ट टू बी ए गुड इंग्लिश स्पीकर, देन यू मस्ट स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर, हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन हमें आती नहीं है, हम बोले कैसे? सो स्टूडेंट्स, आर यू ऑब्जर्विंग मी, क्या आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ बीच में इंग्लिश का सेंटेंस, बाद में हिंदी का सेंटेंस, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, उनको मैं प्रोनाउंशिएट करता हूँ और फिर मैं हिंदी पर आ जाता हूँ। सो दिस इज द टेक्निक फॉर द बिगिनर्स, जो शुरुआती दौर में इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये टेक्निक होती है कि वो अपने कन्वर्सेशन के दौरान या कन्वर्सेशन के बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करें। कई सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको प्रोनाउंशिएट नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली अगर आप बहुत अच्छे से प्रोनाउंशिएट कर पा रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस आपको रिपीटेशन करने के लिए
एनर्जी देता है, यानी कि अगर आपने एक बार कोई वर्ड बोला, आपने बहुत अच्छा बोल लिया, तो अगेन एंड अगेन आप उसको यूज करोगे अपने कन्वर्सेशन के दौरान। अब ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखे कहाँ से? तो स्टूडेंट, सीखने का जो या लर्निंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है लिसनिंग। तो आप इसको सुनिए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम सुने कहाँ से? तो इन दिस टाइम और इन प्रेजेंट सिचुएशन एवरीवन हैज एन एंड्रॉयड फोन, हर एक के पास एक एंड्रॉयड 4G फोन है, ठीक है। अब गूगल को ओपन करिए, सर्च बॉक्स में वो वर्ड डालिए जो वर्ड आप प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, और उस वर्ड को लिखने के बाद, टाइप करने के बाद एक स्पेस देकर प्रोनाउंसिएशन लिख दीजिए। आप सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए एक माइक का सिंबल आएगा उस वर्ड के आगे। वहीं पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आएगा कि किस तरह से उसको लिखा जाता है, किस तरह से उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो आप उस माइक पर क्लिक करिए और आपका जो वर्ड है वो प्रोनाउंसिएट होगा, आप उसको सुन सकते हैं। रिपीटेडली जब उसको सुनेंगे आप और रिपीटेडली आप उसको प्रोनाउंसिएट करिए, आपकी जो टंग है उस वो हैबिचुअल हो जाएगी उस पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने के लिए। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर, जब भी आप चाहेंगे, व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक और व्हेनेवर यू वांट टू यूज दैट वर्ड, यू कैन इजीली प्रोनाउंसिएट दैट वर्ड। आप आसानी से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के। तो ये तो वो तरीका हो गया कि आप प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के कैसे सीखें। दूसरी और तीसरा जो आपका क्वेश्चन था कि हम सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हम इंग्लिश मीडियम हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना पड़ते हैं, रटा नहीं जाता, इतना सारा मटेरियल रटना कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश में ऐसे लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में या कोई आर्टिकल लिखने में हमें थोड़ी दिक्कतें आती है। या आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो कहते हैं कि सर हमें कौन सा लेटर आ जाएगा, कुछ खास फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा राइटिंग सेक्शन में, कोई फिक्स नहीं रहता है, तो हम कैसे लिखें इसको? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये एक इम्पोर्टेंट ऐसे भी है, और एक एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। आपका मेन आइडिया क्या है, मेन टॉपिक क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, वो है एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडिया की कोई ज्वलंत समस्या, कोई ज्वलंत मुद्दा जिसको आपको लेना है। अब जैसे बर्निंग प्रॉब्लम का दिमाग में आता है तो एक ऐसी समस्या जिससे कि बहुत सारे लोग जूझ रहे हो, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल और मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज बर्निंग प्रॉब्लम। लाइक पॉल्यूशन, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। लाइक करप्शन, एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग। लाइक टेररिज्म, ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बर्निंग प्रॉब्लम्स होगी। अब इनमें से किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आप चुन लीजिए, जैसे कि आपने पॉपुलेशन प्रॉब्लम को चुन लिया। नाउ पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोचेंगे तो पहली चीज तो ये आएगी कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, ठीक। तो एट वेरी फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक, आप उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे। सेकंडली, जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि भैया प्रॉब्लम ये है, सेकंडली कि वो प्रॉब्लम उपजी कहां से है, उसका बर्थ प्लेस क्या है, व्हाट आर द रीजंस और काउजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का जो बर्थ प्लेस है यानी कि उसके रीजंस क्या क्या है कि वो प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई है, एंड व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो उसका एडवांटेजेस तो होगे नहीं, उसके तो डिसएडवांटेजेस ही होंगे, यानी कि उसकी इल इश्यूज ही होंगे या उसकी प्रॉब्लम्स ही होगी जो कि ह्यूमन बीइंग को सफर करना पड़ता है। तो उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, कि हम क्या ऐसा करें कि हम उस प्रॉब्लम से निजात पा सकें, यानी कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस और व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इरेडिकेट और इरेज और रिमूव दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम उस समस्या को किस तरह से हमारे जीवन से हटा सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स आपको लिखना होगा। कौन कौन ऐसे लोग हैं या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो करके हम उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। एंड ऑफ द
टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका कंक्लूजन, कि ये प्रॉब्लम हमें उसमें दोनों तीनों चीजें ही इंक्लूड करना है कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम काफी डेंजरस है एंड हमें एज सुन एज पॉसिबल स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना होंगे सो दैट वी कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम और हम शांति से जी सकें, हम अच्छे से जी सकें। ये सारी चीजें आपको कंक्लूजन में लिखना है। स्पेशली ध्यान ये रखना है कि आपके पूरे एसे में सेंटेंस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में आपके हेडिंग्स जो रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट है आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसके रीजंस लिखना है कि क्यों आई है, उसके इन इफेक्ट्स लिखना है, उसके सॉल्यूशन लिखना है और कंक्लूजन लिखना है, दैट्स इट। अगर पॉजिटिव होगा कोई, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर देख लीजिए, तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर होता क्या है और इसका वर्क क्या होता है ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। देन आपको इसके एडवांटेजेस लिखना है, बेनिफिट्स लिखने हैं, क्योंकि आपका टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस वाला है, तो इसके इम्पोर्टेंस यानी कि बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है और किस किस को मिल सकता है। तो आप देखिए कि एज ए स्टूडेंट आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं। सेम अगर आप पॉलिटिशियन होते तो आप क्या देखते, आप फार्मर होते तो आप न्यूज़पेपर में क्या देखते, अगर आप एक टीचर होते तो आप क्या देखते, अगर एक हाउसवाइफ होती तो आप क्या देखती, ठीक है। ये सारी चीजें हैं तो इन सब लोगों के लिए ही बेनिफिट्स न्यूज़पेपर के होते हैं। एक बिजनेसमैन होते तो एक बिजनेसमैन के लिए किस तरह से एक न्यूज़पेपर हेल्पफुल होता है, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या जॉब को ढूंढ रहा है, ठीक है, तो ऐसे जॉब सीकर्स के लिए किस तरह से न्यूज़पेपर हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखना है। एंड देन कंक्लूजन कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है, उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है, ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया। अब आपने बोला कि सर ठीक है, आपने जो जो चीजें बताई है हमें बिल्कुल पता है कि ये इन इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है या जो प्रॉब्लम है ये चीजें कर सकती है, बट वी आर स्टिल अनेबल टू राइट और फॉर्म द सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत आती है, हमें लिखने में दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स एक कहानी याद आती है मुझे कि एक आपने भी सुनी होगी कि एक टोपी वाला टोपियां बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में गर्मी और थकान के कारण वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है। कुछ बंदर वहां आते हैं, उसकी टोपियां उठा ले जाते हैं। टोपी वाला जब जागता है तो बड़ा परेशान रहता है कि वो अब क्या करे। तो उसको एक अकल सूझती है, एक ट्रिक सूझती है। वो क्या करता है कि कुछ एक्टिंग करता है और एक्टिंग करते करते वो टोपी लेकर है अपने हाथ में, उसको सर पे पहनता है। बंदर भी उसकी नकल करता है और जैसे ही टोपी वाला टोपी को फेंकता है, बंदर सारे उस टोपियों को फेंक देते हैं और टोपी वाला खुश होकर उन टोपियों को कलेक्ट करके वापस अपने रास्ते हो लेता है। तो इससे ये साबित होता है कि हर जो चीज हो रही है वो नकल पर डिपेंड है, जिसको हम बोलते हैं कॉपीकेट वर्ल्ड। कॉपीकेट वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि नकलची दुनिया। एक छोटा बच्चा दो पैरों पर चलता है क्योंकि हम लोग जो बड़े लोग हैं वो दो पैरों पर चलते हैं। एक बच्चा अपने मम्मी को मम्मी कहता है क्योंकि हम उसको बार बार बोलते हैं कि ये तेरी मम्मी है। वो अपने भाई को भाई ही बोलेगा, ठीक है, भैया बोलेगा, ठीक है, छोटा भाई होगा तो नाम से बुलाएगा। वो नाम कहाँ से सीखता है, क्योंकि सब लोग उसको उसी नाम से पुकारते हैं। और वो बच्चा भी वही चीज़ें सीख जाता है जो वो सुनता है, जो वो देखता है। तो आप भी निकल करिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे हो। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता तो है कि समस्या क्या है, आपको ये भी पता है कि हमें लिखना क्या है, पर आपके पास शब्दों की कमी है, वर्ड्स नहीं है। तो आपको वर्ड्स मिलेंगे कहाँ से। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं आप उस टॉपिक को सर्च करिए, इंटरनेट पर सर्च करिए, कई सारी बुक्स में आप पढ़िए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारी पढ़ाई करिए, उसको पढ़ते रहिए आप, ठीक है, कीनली ऑब्जर्व करके उन चीज़ों को पढ़ते रहिए और फिर एक अपना आइडिया लगाइए और अपने सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज में लिखकर और अपना ऐसे या कोई भी आर्टिकल या पैसेज जो आप लिखते हैं वो तैयार कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जैसे आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, जैसे आपकी रेफरेंस बुक में ऐसे मिलते हैं उनको आप रीड करिए। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट लीव दैम, उनको आप छोड़ दीजिए, जो आपको समझ में आ रहे हैं उनको समझिए, आपको वहां से वर्ड्स मिलेंगे। जब आप किसी टॉपिक के बारे में देखिए, फ्रांसिस बेकन का नाम आपने सबने सुना होगा,
अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा आपकी वर्कबुक में एक पैसेज है, वो ऑफ स्टडीज का है, ठीक है, उसको आप पढ़िए। उसमें लिखा है कि रीडिंग मेक्स मैन फुल, रीडिंग से इंसान फुल बनता है, यानी कि उसका ज्ञान उसके अंदर भर जाता है। राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, जब आप राइटिंग करते हो तो इंसान परफेक्ट बनता है। कहने का मतलब है राइटिंग करते हुए आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, पैराग्राफ चेंज करने का तरीका, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसमें परफेक्शन आता है। एंड लास्ट बोलता है कि कॉन्फ्रेंस मेक्स मैन रेडी, कॉन्फ्रेंस से इंसान रेडीनेस आती है उसके अंदर। कॉन्फ्रेंस यानी कि जब आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं एक दूसरे से, उस डिस्कशन को करने से आपके अंदर क्विकनेस आती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस में होता एक्चुअली ये है कि सामने वाला कब कौन सा क्वेश्चन कर दे या कौन सा टॉपिक उठा ले, आपको उसका आंसर देने के लिए या उस टॉपिक पर बोलने के लिए हमेशा रेडीनेस के साथ जवाब देना पड़ता है, क्विकली आपको आंसर करना पड़ता है। तो ये क्विकनेस आपको कॉन्फ्रेंस से आती है। तो अगेन मैं कहूँगा कि अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ अपनी एक टीम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए 3 या 4 स्टूडेंट्स का। जब भी आप फ्री रहते हैं, एक एक टॉपिक ले लीजिए और उस टॉपिक को आप एक दिन पहले ही एक दूसरे को दे दीजिए कि भैया कल का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविज़न है। आप सब अपने आप को प्रिपेयर करके आइए, एंड जब भी आपको टाइम मिलता है अगले दिन, आप अपने अपने व्यूज़ रखिए। जब आप अपने अपने व्यूज़ रखेंगे तो आपके व्यूज़ रखने का तरीका, अगर आपको फ्लुएंस इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश सेंटेंसेस आप यूज़ नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, तो आप टुकड़े टुकड़े में हिंदी और टुकड़े टुकड़े में इंग्लिश वर्ड यूज़ करिए। कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, उन की वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए, उनका अपने कन्वर्सेशन में यूज़ ज़रूर करिए, तभी आपको वो आप उन वर्ड्स के प्रति फैमिलियर हो पाएंगे और उनका अगेन एंड अगेन यूज़ कर पाएंगे। जब तक आप उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, आप लिखने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती, राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना पड़ेगा। रीड करने के साथ साथ आप उनके प्रोनाउंसिएशंस को सुनिए, उन वर्ड्स के जो आप प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत आ रही है, वो वर्ड्स जो नए हैं उनके मीनिंग्स देखिए। उनके मीनिंग जब आप देखते हैं, और क्योंकि आप वो वर्ड्स कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उन वर्ड्स के मीनिंग याद रखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग टाइम तक वो याद रहेगा। डिक्शनरी पढ़ने से कि हमें बहुत सारे मीनिंग याद करना है, और आप डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं और डिक्शनरी पढ़ते हैं, तो उससे याद रखिए आज तक किसी को वर्ड मीनिंग्स याद नहीं हुए हैं। तो आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है और आपके सामने जो वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है, उनको आप लीजिए और उनके ही मीनिंग देखकर उनको यूज़ करिए आप। एंड देन आपके डिस्कशन के बाद, आप जैसे आपने टॉपिक डिसाइड किया, आपने उसको रीड किया सबने, बाद में जाकर आप उस पर कन्वर्सेशन करेंगे, और कन्वर्सेशन करने के बाद जब आप वापस अपने घर पर अपने रूम में बैठकर जब स्टडी करते हैं, तब आप उस टॉपिक पर लिखने की कोशिश करिए। अगले दिन जाकर फिर डिस्कस करिए कि आपने कितना लिख पाए हैं। अपने आप को सेल्फ असेस करिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, और या फिर ऐसे व्यक्ति की हेल्प लीजिए जो कि आपसे बेटर है इंग्लिश में, जो कि चेक कर सके कि कहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही है। आप उनको दिखाइए, उनसे चेक करवाइए, और जहाँ मिस्टेक है उनको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, एक साथ सारी प्रॉब्लम्स या सारी जितनी भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो सबसे पहले आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सुधारने की जगह आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का ध्यान रखना सीखिए, कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क की इम्पोर्टेंस को समझिए। उसके बाद आप कहाँ पर कैपिटल लिखना है, कहाँ पर स्मॉल लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पैराग्राफ चेंज करने का या एप्लीकेशन लेटर है तो उनके फॉर्मेट का ध्यान रखिए। उसके बाद आप ग्रामेटिकल पर आइए, स्पेलिंग सुधारिए, और फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर धीरे धीरे आइए। एक एक करके पहले टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, फिर आप एडवर्ब एडजेक्टिव किस तरह से यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम पर आइए। धीरे धीरे करके एक के बाद एक प्रॉब्लम को आप रिमूव करिए, एक साथ सारी प्रॉब्लम्स रिमूव नहीं हो पाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा। कहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप जैसा मैंने बताया, आप वैसा करने की कोशिश करिए।
एंड आप फीडबैक के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्या रियली ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कुछ और चीज़ें जो आपको चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम्स आपको चाहिए तो वो आप मेरे साथ साझा करिए, यानी कि मेरे साथ शेयर करिए, तभी मैं और ज़्यादा बेटर तरीके से और बेटर जो चीज़ें हैं मैं आपको दे पाऊँगा। और किसी प्रॉब्लम जो कि आप फेस कर रहे हैं वो आप मुझसे शेयर करिए ताकि उसमें भी मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।